नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आर्ट ऑफ प्रिंसेस में। आज हम नवरात्रि स्पेशल ड्राइंग बनाने वाले हैं, तो आपको मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि कैसे आप इसका आउटलाइन ड्राइंग कर सकते हैं। इसी तरीके से आप किसी भी फ़ोटो की आउटलाइन ड्राइंग आसानी से बना सकते हैं। ये जो इमेज है, मैंने इसको दो फ़ोटो ऐड करके बनाया हुआ है। अगर आप भी दोनों फ़ोटो ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं, मैं अगला वीडियो उसी पे बनाऊंगी कि फ़ोटो को ऐड कैसे किया है मैंने, फ़ोटो को ग्रिड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए मेरे चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो डली है, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। एक दो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से देख लीजिए। अगर आपको आउटलाइन ड्राइंग करने में कोई भी परेशानी आ रही है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बता सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगी। ग्रिड मेथड से आउटलाइन ड्राइंग करना सबसे आसान होता है, लेकिन इसमें आपको पूरा ध्यान रखना होता है कि कौन सा पार्ट कहाँ पे आएगा। तो चलिए हम इसे ड्रा करते हैं। ड्रा करने के लिए मैंने A5 साइज़ का पेपर लिया है और इस पे मैं मार्क करूँगी 1.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस छोड़ के निशान लगाऊँगी चारों साइड। आप लोग चाहें तो A3 और A4 साइज़ के पेपर पर भी बना सकते हैं। A4 साइज़ के पेपर पे बनाने के लिए आप लोग 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस छोड़ के निशान लगाएंगे और A3 साइज़ का पेपर है तो 2.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस छोड़ के निशान लगाएंगे। गैपिंग का एकदम ध्यान रखें कि थोड़ा भी इधर उधर ना हो, नहीं तो पूरी ड्राइंग ख़राब हो जाएगी। इससे चारों साइड निशान लग जाने के बाद हम पॉइंट्स को आमने सामने मिला लेंगे, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। और अगर आपकी लाइन थोड़ी सी भी टेढ़ी होती है तो आप समझ जाइएगा कि आप सही निशान नहीं लगाए हैं, तो उसको सही कर लीजिएगा। इसका कलर वाला वीडियो भी आने वाला है, तो अगर आप लोग उसको देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे अगली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। ग्रिड तैयार हो जाने के बाद हम उस पर नंबरिंग देंगे, तो ऊपर मैं 1 से 10 और नीचे 1 से 14 तक का नंबर दे रही हूँ। ये पूरा प्रोसेस कम्प्लीट हो जाने के बाद अब हम इस पर आउटलाइन ड्राॅइंग कैसे करते हैं उसको हम बताएँगे। मैं सारी ड्राइंग को आंखों से स्टार्ट करती हूँ, आप लोग जहाँ से चाहें वहाँ से बनाना शुरू कर सकते हैं। इनके आंख का जो पोजीशन है वो ऊपर 5 और नीचे आने पे 9 पे है, तो अब आप ड्राइंग बनाना स्टार्ट करते हैं। आउटलाइन ड्राइंग करते टाइम आपको इसका ध्यान रखना है कि किस बॉक्स में कितना पार्ट है, इसी हिसाब से आप ड्राइंग करेंगे और बहुत ही केयरफुली ड्रा करेंगे, क्योंकि हम लोग देखते रहते हैं और हमारा जो आइज़ है वो थोड़ा सा इन्फेक्ट हो जाता है, जिससे फ़ोटो हमें मिसमैच होने लगता है। इस वजह से एक एक पार्ट को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे और नंबरिंग से मिलाते रहेंगे कि कैसे बना है ये और कौन सा पार्ट कहाँ पे आ रहा है। स्टार्टिंग में आप लाइंस बिल्कुल हल्की रखें और जब आपको लगे कि ये लाइन सही है उसके बाद अब उसको डार्क कर दें। स्टार्टिंग से डार्क करेंगे तो मिटाने में दिक्कत होगी और पूरा बेकार लगेगा। पहले मैं काली माँ की ड्राॅइंग को कम्प्लीट करूँगी, उसके बाद दुर्गा माँ की ड्राॅइंग को कम्प्लीट करूँगी। आगे का पूरा प्रोसेस आप लोग देखिएगा कि ड्राइंग कितने इजी तरीके से आपको बताया जा रहा है कि कैसे बनेगा। Thank you.
Thank you.